गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 4th चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर। और प्यारे बच्चों, इस पार्ट में जो हम कर रहे हैं दैट इज चाय, गर्म चाय की प्याली हो, टी, है ना। और आप जानते हो प्यारे बच्चों, जब भी हम प्लांटेशंस की बात करेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजें आपको इसमें याद रखनी है। जो प्लांटेशन है बेसिकली वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या लेबर इंटेंसिव होती हैं, है ना। जो भी हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा लेबर की कहीं ना कहीं जरूरत होती है, तो कुछ पॉइंट जो है वो बहुत ही कॉमन है। जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो टेम्परेचर और रेनफॉल वाले, किसी एक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें, समझ लें, उसी को रिवाइज करते रहें, उसी से रिलेटेड आपको काफी सारी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे जो टी के पॉइंट्स है वही आप कहीं ना कहीं कॉफी में भी आप देखोगे कि जो कुछ कॉमन है वो आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि टी जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, इसकी प्लांटेशन होती है। और दूसरा, फिर आप जानते हो कि जो टी है वो कहीं ना कहीं भारत में, ऐसा नहीं कि आप वेदों में शास्त्रों में देखते हो कि हम लोग चाय पीते थे, ऐसा नहीं है। अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने भारत से अफीम जो है वो चाइना में, और वहां पर अफीम युद्ध भी हुआ, कितनी चीजें, तो अफीम यहां से उन्होंने चाइना में भेजा और चाइना से कहीं ना कहीं वो चाय जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस की। एक बात जानकर आपको शायद थोड़ी सी हैरत अंगेज, आप थोड़े हैरान हो कि भाई भारत में अब फिलहाल लगभग 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए हुए, फिर भी अभी भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट उनका रूल ब्रिटिशर्स का है हमारे यहां पर प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम जो है दे आर ओन्ड बाय द इंडियंस। टी इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट बेवरेज। बेवरेज क्या होता है प्यारे बच्चों? जो पेय पदार्थ होता है, जैसे टी है, कॉफी है, जिनकी मिल्क है, तो बेवरेजेस में आते हैं ना, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इट्स अ इंपोर्टेंट बेवरेज इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इनिशियली, है ना। टुडे मोस्ट आर ऑन मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन जो भी ये हैं, ये ऑन बाय इंडियंस। इट्स बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। माई डियर सन एंड डॉटर्स, आई होप कि आपको पता है कि क्या ट्रॉपिकल होता है और क्या सब ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। और यहीं पर जब आप देखोगे तो आप यहां पे कह सकते हो, आपको याद रहेगा, आप हर एक में देखोगे कि इंडिया जो है लगभग वो सेकंड नंबर पर है आफ्टर, जैसे राइस में भी आप देखते हो तो पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे, ऐसे आप ग्राउंड नट में भी देखते हो पहले नंबर पे, तो ऐसे ही टी के मामले में भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो दुनिया में चाइना में होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं भारत में होती है। तो ये आपको चार पॉइंट्स आई थिंक इजिली आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला, फिर डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको पता होगा, जो भी पत्ते गिरते हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं जो जड़ों में मर जाते हैं, फिर वो ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, है ना। तो वो जो डिकेइंग प्रोसेस होता है ऑफ द लिविंग बींग्स, है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जब वो डिके होते हैं तो ह्यूमस क्रिएट कर देते हैं। तो इनको डीप यानी कि आप देखेंगे कि चाय या कॉफी जो, मतलब चाय बेसिकली इवन कॉफी भी, वो सीढ़ी नुमा जो जगह होती है, यानी कि बारिश गिरी, बारिश वहां पे जमा ना हो, वहां पे इतना बहुत ज्यादा मॉइस्चर ना हो वहां पर, है ना, तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको। लेकिन फ्रीक्वेंट रेनफॉल जरूर चाहिए, मतलब रेनफॉल इवनली चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 महीने खूब होगी और फिर 8 महीने हुई नहीं, या 4 महीने होगी 8 महीने हुई नहीं, ऐसा नहीं, या 8 महीने होगी 4 महीने, इवनली चाहिए। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, बोथ आर सेम, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर यू कैन राइट इन। रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट, मॉइस्चर थोड़ा बहुत और वार्म, हॉट कह सकते हो, वार्म कह सकते हो, थोड़ा गर्म और थोड़ा मॉइस्ट। आपको पता है कि ये ज्यादातर वहीं जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं पे ये होगा। फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट का मतलब आपको पता है कि वहां पे कोई कभी भी बर्फ वगैरह ना हो, बर्फबारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके जो पत्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने टी प्लांटेशन देखी होगी, मैं आसाम में जब गया था मुझे मौका मिला उसको देखने के लिए, बहुत ही जो उसकी कॉपले आप बोल सकते हो, बहुत ही टेंडर लीव्स होते हैं और इसके पत्तों को ही वहां से मतलब प्लक किया जाता है, जिसकी वजह से लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि वो छोटे छोटे पत्तों को निकालना। और एक और खास बात है जो आप इसमें देखोगे कि जो भी इसकी प्रोसेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो हमेशा जो भी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन का जो एरिया है वहीं पर उसकी जो इंडस्ट्री है वो वहीं पे लगाई जाती है, उसको प्रोसेस्ड वहीं पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम एक जगह से काटा उसको, फिर हम कहीं दूसरी जगह जाके उसको प्रोसेस्ड करा रहे हैं, तो उसकी जो फ्रेशनेस है या जो उसकी जो खुशबू है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर जो भी प्रोसेस्ड जो फैक्ट्रीज होती है वो हमेशा प्लांटेशन की जो विद इन द बाउंड्री होती है। रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। फ्रीक्वेंट एंड इवनली शावर्स, फ्रीक्वेंट भी चाहिए और इवनली यानी कि एक समान।
एंश्योर्स ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, जो इसके पत्ते होते हैं उसकी उसको एंश्योर कर देता है कि भाई अगर ये बारिश आ रही है, नहीं तो वो फिर खराब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। लेबर इंटेंसिव, रिक्वायर चीप एंड स्किल्ड लेबर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर ही चाहिए, उसमें थोड़े स्किल्ड भी होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें इंटेंसिव लेबर है, जो कि लेबर तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सस्ते तो चाहिए चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए। टी प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो ये एक आप इस, मतलब याद रहेगा मुझे ऐसी उम्मीद है आपको, कि जब भी आपको इसके ऊपर, पांच नंबर का अलग से क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, तीन में भी आ सकता है, वन में तो ये आएगा ही आएगा। अब हम देखते हैं कि एरिया वाइज असम में, तो आपको पता है कि असम की चाय, जैसे मैंने बताया था कर्नाटका में हम कभी कॉफी पियेंगे और असम में हम चाय पियेंगे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में दो जगह है, आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो वेस्ट बंगाल है ये देखो यहां जाकर बिल्कुल पतला सा हो जाता है ना, यहां इसकी कॉप सी बनती है, उसका जो गर्दन है। तो ये जलपाईगुड़ी आप देख रहे होंगे, ये दार्जिलिंग, ये दोनों की दोनों सिक्किम के बिल्कुल नीचे है दार्जिलिंग और यहां पे जलपाईगुड़ी। वेस्ट बंगाल में आपको वन मार्क के क्वेश्चन के लिए कि आपसे पूछा जाए वेस्ट बंगाल में कहां पर है टी की वो, तो एक तो दार्जिलिंग और एक जलपाईगुड़ी। असम तो पूरा ही का पूरा ही है, राइट, तो उसमें आपको कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपसे वेस्ट बंगाल पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग, उसके अलावा तमिलनाडु एंड केरला, फिर हम नीचे आ जाएंगे तमिलनाडु और केरला में भी चाय जो है, क्योंकि आपको पता है वहां पे भी बारिश ऑनसेट में भी आती है और जब ऑफसेट होता है, जब हमारा मानसून तब भी वहां पे बारिश होती है, तो पानी वहां पर रहता है। अदर स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड आंध्रा प्रदेश। तो इसमें आप देखोगे पहले बच्चों, त्रिपुरा जो है आपको पता है यहां है, मेघालय जो है असम की गोदी में है, तो यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये आप इससे इजीली आपको याद हो जाएगा। और जब आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, और उससे पहले आप ये वाला देख ही चुके हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप उत्तराखंड और हिमाचल भी आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, वहां पर भी ये उगाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों की आपकी बुक इसके बारे में क्या कहती है। मैंने आपको फिर आपको बता रहा हूं कि इसमें जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, एक किसी को आप याद कर लें, उसी से रिलेटेड ही आपकी बाकी चीजें जो हैं वो इजीली आपको लर्न हो जाएंगी। लेट्स सी आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। टूडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ऑन्ड बाय इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट है ना, ऑल थ्रू द ईयर। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबेंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा, चीप यानी कि सस्ते एंड स्किल्ड यानी कि कहीं ना कहीं, लेकिन स्किल्ड भी हमें चाहिए, सस्ते भी और स्किल्ड भी। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। इन 2006 या फिर अकॉर्डिंग टू 2006 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माई डियर सन्स एंड डॉटर्स। दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल।